हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं हूं मुदस्सर। तो गाइस आज मैं जा रहा हूं अबू धाबी मॉल, क्योंकि दो दिन पहले मैंने यहां से एक ड्रोन बुक किया था। जब मैंने ड्रोन लेने के लिए गया तब मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया, बाद में इन्होंने चेक किए तो उनके पास स्टॉक नहीं था ड्रोन का, तो बोले कि दो दिन के बाद आके यहाँ से कलेक्ट कर लेना। तो कल मेरे को मैसेज आया रात को कि आपका ड्रोन आ चुका है अबू धाबी मॉल के शराब डीजे में, आके कलेक्ट कर लो। तो मैं आज आया हूँ यहाँ पर ड्रोन लेने के लिए। तो गाइस अबू धाबी से इंडिया ड्रोन कैसे लेके जा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। ये देख रहे गाइज, ये सामने जो है ये अबू धाबी मॉल है। ये मॉल के अंदर जाना है मेरे को, सेकंड फ्लोर पे शराब डीजे है, उधर से मेरे को ड्रोन लेना है। ये जो पूरा देख रहे हैं पूरा अबू धाबी मॉल है। तो गाइज चलो जल्दी से मैं अंदर चलता हूँ और अपना ड्रोन कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगा इसी वीडियो में। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो ये एंट्रेंस है यहाँ का, यहाँ से हम अंदर चलते हैं मॉल के। गाइज ये है मेरा ड्रोन, देख रहे हैं शराब डीजे से आया था लॉकर्स में, जो मेरे को पिन आया था वो पिन इंटर करने के बाद मेरे को ये ड्रोन मिला है। तो गाइज मैंने ड्रोन ले लिया हो तो इधर सिर्फ अनबॉक्सिंग करूँगा, क्योंकि ये पूरा बॉक्स निकाल के मैं सिर्फ ड्रोन अपने बैग में रखूँगा, वो भी मेरा जो लगेज है उसमें। तो मैं आपको सिर्फ अनबॉक्सिंग करके यहाँ पर बताऊँगा, फिर इंशाल्लाह इंडिया जाने के बाद ड्रोन फुटेज है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और गाइस कैसी पैकिंग करना है ड्रोन की वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना, और मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो गाइस मैं अभी यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही बस आएंगी मैं मेरे रूम पर जाऊँगा और इस ड्रोन को अनबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा कि अंदर क्या क्या है। और साथ ही साथ जो मैंने एक नया कैमरा लिया इंस्टा 360 गो 2, उसको भी अनबॉक्सिंग करूंगा। मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर लिया हूँ गाइस। तो मैंने ये ड्रोन लिया हूँ मैविक एयर 2, मैं अभी इसको सिर्फ अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने एक इंस्टा 360 गो 2, देख रहे हैं आप इंस्टा 360 गो 2। ये दो चीज़ें मैंने शराब डीजे से परचेज किया हूँ। इंडिया जाने के बाद मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो चलो जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। काट देते सीधा, क्योंकि हमको बॉक्स तो लेकर नहीं जाना है इंडिया में, बॉक्स को इधर ही रखना है, क्योंकि इसकी इंटरनेशनल वारंटी नहीं है, किसी भी ड्रोन की इंटरनेशनल वारंटी नहीं है। इधर भी एक सील है। तो मेरा ड्रोन ओपन हो चुका है। एक बैग है, पहले इसको निकालते हैं, साइड में रखते हैं, बैग के अंदर क्या है पहले खोल के देखते हैं। ये बॉक्स खाली हो गया, अभी इसको भी साइड कर देते हैं।
तो गाइज ये बैग है, अभी इस बैग को भी ओपन करके देखते हैं कि बैग के अंदर क्या है। तो चलो जल्दी इसको ओपन करते हैं। बैग यहाँ से ओपन होगी। ओहो बहुत कुछ है इस बैग में, देख रहे हैं गाइज। तो सबसे पहले हम अपने ड्रोन को निकालते हैं। ये है मेरा ड्रोन मैविक एयर 2। और उसके बाद ये बैटरी चार्ज करने के लिए है। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल, इसको भी हम ओपन करते हैं। तो ये है ड्रोन का रिमोट कंट्रोल। तो गाइज अभी सिर्फ इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बैग में क्या क्या है। इंडिया में जाने के बाद इसका पूरा डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे। और इसके बैटरी है, बैटरी की नहीं शायद, क्योंकि मैंने कॉम्बो प्लान लिया था इसलिए। यस सही, ये चार्जर है और ये इसकी दूसरी बैटरी है, और एक बैटरी ऑलरेडी ड्रोन को लगी हुई है। और ये चार्जर है ड्रोन का और एक केबल, और दूसरा कुछ नहीं, बैग खाली हो गई। तो अभी इसको साइड में रखते और शायद इसमें प्रोपेलर्स वगैरह सब कुछ है ये शायद। और ये कैटलॉग है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको साइड में रखते पूरा बॉक्स को। और अभी हम ओपन करते इंस्टा 360 GoTo। तो गाइस ये देखो कितना छोटा कैमरा है, आप देख रहे हैं मेरी आधी उंगली के बराबर ही कैमरा है। और ये देखो मैग्नेट पे ऐसा स्टिक होता है। तो गाइस इसके अंदर भी देखते हैं हम खुल के क्या क्या है। यूज ये है इसको गले में पहन के कैमरा इधर माउंट कर सकते हैं इजीली। तो सिर्फ अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। और इसके अंदर ये सब स्टिकर कैटलॉग, वो तो इलेक्ट्रॉनिक चीज के साथ में कैटलॉग मिलते ही है। और ये इसके दूसरे माउंट है जो कैप पे वगैरह लगा सकते हैं। ये चार्जिंग केबल है और ये कैमरे की केस है, देख रहे हैं इसमें कैमरा चार्ज कर सकते हैं। जो एयरपोर्ट की जो ये रहती केस रहती वैसी ही है ये। और देखो कितना छोटा कैमरा है गाइस। और ये उसके ट्राइपॉड वगैरह है कैमरे के, इस सब में मैग्नेट है, आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे इसमें डायरेक्ट चिपक जाता है। और ये कैप में लगाने के लिए भी इसमें भी मैग्नेट है, इसमें भी डायरेक्ट चिपक जाता है। तो गाइस अभी इसको बैग में पैकिंग करते हैं, इंडिया में जाने के बाद इसके जो फुटेज है वो हम आपको दिखाएंगे। अभी बैग में कैसे पैक करके लेके जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
तो गाइस अगर आपको ड्रोन लेकर जाना है इंडिया में, तो लगेज में जो आपकी जो ड्रोन की बैग है उसमें ड्रोन डाल के वो बैग को ऐसे सेंटर में रखना, और जो भी आपके कपड़े हैं उसको चारों तरफ रखना। तो गाइस फाइनली मेरा ड्रोन इंडिया पहुंच गया है। बहुत ही डर लग रहा था जब मैं ये ड्रोन अपना चेक इन बैगेज में डाला था, तो बहुत डर लग रहा था। मैंने वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे थे कि ड्रोन यूएसए कैसे कैरी करके लेके जाए, तो फिर भी डर लग रहा था। तो गाइस अगर आपको भी अगर ड्रोन यूएसए इंडिया लेकर आना है, तो आप भी ये काम ज़रूर करें। जो भी आपका ड्रोन है उसकी बैटरी ड्रोन से अलग करें, और जो भी एक्स्ट्रा बैटरीज है वो और ये रिमोट कंट्रोल, क्योंकि रिमोट कंट्रोल में भी एक बैटरी रहती है, वो आप हैंडबैग में डालें। और जो भी अपना ड्रोन है और प्रोपेलर है उसको अलग करके ये बैग में डालें, जो ड्रोन के साथ मिली आपको बैग उस बैग में डालें, और ये बैग चेकिंग बैगेज में डालें, सेंटर में रखें। जो भी आपकी बैग है चेकिंग की उसको उसके बीच में सेंटर में ये ड्रोन रखें, तो आपका ड्रोन ईजीली निकल जाएगा। तो गाइस जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, तब मैं कस्टम क्लियरेंस के लिए गया, तो कस्टम ऑफिसर ने मेरे को पहले बताया कि आपके जो भी हैंड बैग है वो बेल्ट पे डाल दो स्कैनिंग के लिए। जब मैंने अपने जो हैंड बैग थे जो स्कैनिंग मशीन पे डाल दिए, तो आके मुझे बताया कि नहीं नहीं तुम्हारे बैग पे मार्क है, तुम एक काम करो जो भी चेकिंग बैगेज है वो भी स्कैनिंग पे डाल दो। तो मैंने वो भी स्कैनिंग पे डाल दिए, तो मुझे डर लगने लगा कि अभी क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पता नहीं उनको समझ में आ गया क्या नहीं आ गया पता नहीं, लेकिन मेरे को उन्होंने कुछ रुकाए नहीं, कुछ बैग वगैरह खोल के दिखाने नहीं लगाए। मैंने अपने जो भी बैगेज थे ट्रॉली पे डाला और एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। तो गाइज आपको भी अगर ड्रोन कैरी करना है यूएसए इंडिया में, तो इसी तरह कैरी करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।